सर्व ब्राह्मण महासभा और डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आज गांधी मार्ग स्थित श्रीनाथ धाम में विप्र ऋषि सम्मान समारोह और पांचांग के विमोचन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संस्था के पदाधिकारियों के अलावा उनके माता पिता ने सहभागिता की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय संगठन सचिव पुराणाचार्य डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री ने समाज को एक सूत्र में बांधकर विकास के पथ पर अग्रसर करने पर जोर दिया। तत्पश्चात कार्यक्रम में सभी विप्रों के द्वारा विधिवत पांचांग का विमोचन किया गया। इसके बाद शुरू हुए सम्मान समारोह में संगठन से जुड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के अभिभावकों और माता पिताओं को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमेश शर्मन और राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री के द्वारा 21 वृद्ध दंपतियों को शॉल उड़ाकर और प्रशस्ति पत्र भेंट कर विप्र ऋषि सम्मान से अलंकृत किया गया। कार्यक्रम के संबंध में पुराणाचार्य डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री ने जानकारी दी। किया गया है और क्या उद्देश्य है? आज सर्व ब्राह्मण महासभा एवं डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में 21 वृद्ध दंपति और वह भी अपने महासभा के फाउंडेशन के जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उनके माता पिता का आज यहाँ सम्मान है, क्योंकि आज पृथ्वी दिवस है। तो श्रीनाथ धाम में उन लोगों को सम्मानित करके एक उन जो कार्यकर्ता है उनको एक प्रोत्साहन मिलता है कि खाली हमारा ही नहीं, फाउंडेशन और सभा के माध्यम से हमारे माता पिता, हमारे अभिभावक, हमारे जो आदरणीय पूर्वज हैं उनका भी सम्मान होता है, जिससे वो समाज के कार्यकर्ता जो समाज के कार्यों में और ज़्यादा प्रवृत्त होते हैं और बढ़ चढ़ करके वो कार्य करते हैं, उसी का कार्य यहाँ पर है। 21 दंपतियों का ऐसा यहाँ पर चयन किया गया है।